हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया हिस्ट्री क्लास 10th. सो लेट्स स्टार्ट इट. नेशनलिज्म इन इंडिया, ठीक है. जैसे कि हम इसके से भी पहचान सकते हैं कि नेशनलिज्म क्या है, देशभक्ति की भावना इंडिया के अंदर कैसे आई. तो लेट्स स्टार्ट इट. एज वी हैव सीन, मॉडर्न नेशनलिज्म इन यूरोप केम टू बी एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ द नेशन स्टेट. इट ऑल्सो मीन्स अ चेंज इन द पीपल अंडरस्टैंडिंग ऑफ हु दे आवर एंड वॉट डिफाइंड आइडेंटिटी एंड द सेंस ऑफ बिलोंगिंग. न्यू सिम्बल्स एंड द आइकन्स, न्यू सॉन्ग आइडियाज फोर्स्ड न्यू लिंक्स एंड द रिफाइंड द बाउंड्रीज ऑफ द कम्युनिटीज. ठीक है, इस पैराग्राफ में देखिए ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हम इससे पहले वाले चैप्टर में हमने ये देखा था कि क्या कहते हैं यूरोप के अंदर किस तरह से नेशनलिज्म आया था. ठीक है, किस तरह से छोटे छोटे टेरिटरीज को नेशन स्टेट में कन्वर्ट किया गया था, छोटे छोटे टेरिटरीज को जोड़ के एक पूरी कंट्री बनाई गई थी. और क्या कहते हैं, आज़ादी के टाइम पे नए नए सिंबल्स लाए गए थे, जैसे कि नेशनल सिंबल्स आए थे, ठीक है ना. और नए नए सॉन्ग्स बनाए गए थे, पेट्रियोटिक सॉन्ग्स बनाए गए थे, ठीक है ना. और बाउंड्री को काफ़ी अच्छे से रिफाइंड किया गया था. बाउंड्री को रिफाइंड का मतलब है कि बाउंड्री को लोकेट किया गया था, मार्क किया गया था, ठीक है ना. और उसको मतलब कि एलोकेट किया गया था कौन सी बाउंड्री किसकी है बहुत अच्छी तरीके से. सो नाउ टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, मूविंग टू द इन इंडिया एज इन द वियतनाम एंड द मैनी अदर कॉलोनीज, द ग्रोथ ऑफ द मॉडर्न नेशनलिज्म इन द इंटीमेटली कनेक्टेड टू द एंटी कॉलोनियल मूवमेंट. People began discovering their unity in the process of their struggle with the colonialism. The sense of being oppressed under the colonialism provided a sheer bond that tied many different groups together. But each class and the group felt the effect of colonization differently. Their experience were varied and their notions of the freedom were not always the same. ठीक है, इसमें देखिए वियतनाम के अंदर भी देखिए वियतनाम एक छोटी सी कंट्री है, ठीक है ना. उसके ऊपर जो कॉलोनियल का कब्जा था, कॉलोनियल क्या होता है, जब बहुत बड़ी कंट्री कोई ज़्यादा ताकतवर कंट्री जो होती है, लेस ताकतवर कंट्री या फिर लेस पावरफुल कंट्री के ऊपर जब कब्जा कर लेती है, तो वो पावरफुल कंट्री के लिए वो लेस पावरफुल कंट्री उसकी कॉलोनी होती है, समझ रहे ना. तो यहाँ पे वियतनाम में भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि लोगों के अंदर यूनिटी नहीं थी, ठीक है ना. लेकिन अब क्या था, लोग बहुत डिफरेंट कास्ट के थे, डिफरेंट ग्रुप, डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते थे, डिफरेंट कल्चर्स के थे, ठीक है ना. लेकिन सब लोगों का जो दुश्मन था वो एक ही था, ठीक है ना. तो सब लोगों का दुश्मन एक हो जाने की वजह से भी लोगों के अंदर यूनिटी की भावना आनी बहुत ज़्यादा लाजमी हो गई थी. तो ये चीज़ें जो है लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना लाने के लिए एक बहुत कॉमन दुश्मन होना एक बहुत बड़ा रीज़न रहा है लोगों के अंदर यूनिटी को लेकर आने के लिए. सो वही चीज़ यहाँ पे भी देखिए इंडिया के अंदर भी यही चीज़ लागू की गई है. चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे वो किसी भी कास्ट से बिलोंग करता हो, चाहे किसी भी, चाहे रिच स्टेटस हो, चाहे फिर पुअर स्टेटस हो, फार्मर हो, पीजेंट्स हो, कोई भी हो, सबके सबका जो कॉमन दुश्मन जो था वो ब्रिटिश थे. और ब्रिटिश से लड़ने के लिए सारे के सारे लोगों को यूनाइट होना पड़ा. तो कहीं ना कहीं हम ये भी कह सकते हैं कि ब्रिटिशर्स का एक बहुत बड़ा हाथ है कि इंडिया को यूनाइट करने में, ठीक है ना. तो ये इस तरह का मैसेज ये सेकेंड पैराग्राफ हमको ड्राइव करने की कोशिश कर रहा है. लेकिन इसमें लास्ट में एक लाइन भी बोली गई है, बट द यूनिटी डिड नॉट इमर्ज विदाउट द कॉन्फ्लिक्ट. यानी कि यूनिटी हमें बिना कॉन्फ्लिक्ट्स के, बिना उसकी कभी भी नहीं मिलती. यानी कि थोड़ा बहुत तो भेदभाव या फिर मन मुटाव या फिर छोटे मोटे झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट्स का मतलब छोटे मोटे झगड़े तो होते ही रहते हैं, ठीक है. थोड़ा सा लास्ट पैराग्राफ की तरफ से नज़र डाल लेते हैं. इन एन अर्लियर टेक्स्ट यू हैव रीड अबाउट द ग्रोथ ऑफ द नेशनलिज्म इन इंडिया अप टू द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th century. इससे पहले हमने जितना भी पढ़ा है वो फर्स्ट डिकेड से पढ़ा है, ठीक है, इन द चैप्टर. नाउ वी विल, अब हम लोग इसमें जितना भी पढ़ने वाले हैं वो 1920 से पढ़ने वाले हैं. नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबिडिएंट मूवमेंट के ऊपर हम सबसे ज़्यादा बात करेंगे इसमें, क्यों ना. और कौन से कितने सोशल ग्रुप के लोग थे, किन किन लोगों ने पार्ट किया था मूवमेंट में, ठीक है ना. ये सब हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं. तो आप ये पिक्चर भी देख सकते हैं, देखिए कितने सारे लोगों मतलब कि एक मूवमेंट को ज्वाइन कर रखा है, ठीक है ना. तो ये सब चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है. तो वेरी फर्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ पे आया था द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, द खिलाफत एंड द नॉन कोऑपरेशन. ये तीनों टॉपिक इसी के अंदर में कवर अप होंगे. तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं. अब यहाँ से थोड़ा अच्छे से करेंगे. इससे पहले जो भी हमने पढ़ा था उसको हमने थोड़ा तेज़ी से, क्योंकि वो जस्ट इंट्रोडक्शन था. अब यहाँ से थोड़ा इंपॉर्टेंट था, हम थोड़ा अच्छे से करेंगे. In the year after 1919, we see the national movement spreading to the new areas, incorporating new social group and the developing new modes of the struggle. ठीक है, अगर 1990 के बाद देखा जाए तो नेशनल मूवमेंट ने अपना तूल पकड़ लिया था. यानी कि बहुत तेज़ी से नेशनल मूवमेंट, जगह जगह पर नेशनल मूवमेंट लोग इकट्ठे हो रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, है ना. धीरे धीरे लोग गवर्नमेंट के खिलाफ अपोज कर रहे थे और अंग्रेज़ों को भगाने की कोशिश कर रहे थे.
तो ये जो था 1919 के बाद बहुत तेज़ी से होना शुरू हो गया था, ठीक है। तो वही चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द वॉर क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड द पॉलिटिकल सिचुएशन। इट लेड टू द ह्यूज इंक्रीज इन द डिफेंस एक्सपेंडिचर विच वॉज फाइनेंस बाय द वॉर लोन एंड इंक्रीज टैक्सेस कस्टम ड्यूटीज वर रेस्ड एंड इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस, ठीक है। अच्छा देखिए क्या हुआ था इसमें, ब्रिटेन जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन का हिस्सा था, ठीक है ना। ब्रिटेन जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किया था ब्रिटेन ने, ठीक है। अब क्योंकि ब्रिटेन का कब्जा इंडिया के ऊपर था, तो इंडिया को भी इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करना पड़ा वॉर में, ठीक है। जब ये वॉर हुआ तो वॉर की वजह से जो ब्रिटिश की गवर्नमेंट है उसके ऊपर बहुत बड़ा लोन आ गया, ठीक है ना। अब उसको पैसों की ज़रूरत पड़ने लगी, क्योंकि जब एक जंग होती है तो उसके लिए बहुत खाना चाहिए होता है, हथियार चाहिए होते हैं, अब बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है ना, जिसके लिए हमें अच्छा खासा पैसे की ज़रूरत होती है। तो अब ये पैसा आएगा कहाँ से, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, टैक्स बढ़ाना शुरू कर दिया। जो जहाँ जहाँ पर लोग पहले किसी चीज़ के लिए 10 रुपये टैक्स देते थे, अब उनको 20 रुपीज़ 15 रुपीज़ टैक्स देना, ज़्यादा टैक्स देना पड़ रहा है, यानी कि टैक्स बहुत तेज़ी से इंट्रोड्यूस कर दिया गया, जिसकी वजह से जो प्राइस थी किसी भी कमोडिटीज़ की या फिर किसी भी चीज़ की जो प्राइस थी मार्केट में, ठीक है ना, उसकी प्राइस जो है तेज़ी से बढ़ने लगी, ठीक है, जिससे कि लोग बहुत ज़्यादा परेशान होने लगे, ठीक है। थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। थ्रू द वॉर ईयर प्राइसेस इंक्रीज डबलिंग इन द 1913 टू 1918, यानी कि प्राइस डबल हो गए 1913 से 1918 तक के लिए, ठीक है ना। तो देख सकते हैं तो लोगों की हार्डशिप थे ना, लीडिंग टू द एक्सट्रीम हार्डशिप ऑफ द फॉर द कॉमन पीपल, यानी कि जो लोग जो हैं बहुत बुरी ज़िंदगी जी रहे थे, यानी कि बहुत मुश्किलों के साथ ज़िंदगी अपनी जिए जा रहे थे। देखिए ये तो मुश्किल चल ही रहे थे, ठीक है ना, इसके आगे भी थोड़ी सी जो मुश्किल चल रही थी, ये सबसे मेन मुश्किल है, ठीक है, जो हम अब पढ़ने वाले हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा। विलेज वर कॉल्ड अपॉन टू द सप्लाई सोल्जर एंड द फोर्स रिक्रूटमेंट इन द रूरल एरियाज कॉल्ड वाइड स्प्रेड एंगर, है ना। क्या हो रहा था, अब उन लोगों को सिपाहियों की ज़रूरत पड़ रही थी, जंग में जाना है, ब्रिटेन के सोल्जर पहले से जंग में है, अब इनको जंग में अगर लोगों की कमी पड़ रही है, ठीक है ना, तो अब जो है आदमी कहाँ से आएंगे, सोल्जर्स कहाँ से आएंगे। तो उन्होंने इंडिया के लोगों को ज़बरदस्ती अपनी आर्मी में भर्ती करना शुरू कर दिया और उन्होंने उनको जंग पे लड़ने के लिए भेजना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से जो गाँव के जो मेनली जो गाँव के जो लोग थे वो बहुत तेज़ी से गुस्से में आ गए, है ना, और इसका इनका गुस्सा जो बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा। देन इन 1918 टू 1919 और 1920 से 1920 वक्त तक क्रॉप्स जो थे, है ना, क्रॉप फेल्ड इन द मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री रिजल्टिंग इन द एक्यूट शॉर्टेज ऑफ द फूड। दिस वॉज अकम्पेंड बाई इन द इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ द 1921 टू 12 टू 13 मिलियन पीपल पेरिश्ड एज द रिजल्ट ऑफ द फेमाइन एंड द एपिडेमिक। देखिए फेमाइन क्या होता है, भुखमरी, एपिडेमिक क्या होता है, महामारी, ठीक है ना। जैसा अब कोरोना वायरस है, तो कोरोना वायरस तो पैनाडेमिक है, यानी कि एपिडेमिक थोड़ा सा छोटा होता है उससे, है ना। तो दिक्कत क्या आ रही थी कि लोगों के पास शॉर्टेज हो गई फूड की, ठीक है, लोग भुखमरी से मरने लग गए, लोग एपिडेमिक यानी कि महामारी से, बीमारी से, किसी भी एक ही तरह की बीमारी जो सब लोगों को होती चली जाए, ठीक है ना, उस तरह की बीमारी से लोग जूझने लगे और लोगों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, यानी कि वॉर ख़त्म होते होते, ठीक है, उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। थोड़ा सा पीपल होप दैट देयर हार्डशिप वुड एंड आफ्टर द वॉर एंड वॉज ओवर, बट इट डिड नॉट हैपन, ठीक है। तो क्या था, लोगों को लगता कि ये जंग ख़त्म हो जाएगी तो शायद हम लोगों की जो आफतें हैं, ये जो दिक्कतें हैं, ये शायद हम लोगों का ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन देखा तो जंग ख़त्म हो ही नहीं रही है, ठीक है ना, जंग काफ़ी लंबी चली, ठीक है ना। उसके बाद जब जंग ख़त्म भी हुई तो उनकी जो प्रॉब्लम थी वो ज़्यादा, उसका कोई भी ज़्यादा उनको निजात नहीं मिला, ठीक है ना। तो अब आ जाते हैं न्यू टॉपिक पर, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, सत्याग्रह का आइडिया। सत्याग्रह क्या है, सत्याग्रह के बारे में इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सत्याग्रह के एक रेवोल्यूशन के तौर पे इसको किस तरह से लोगों के बीच में लाया गया, किस तरह से इसको पॉपुलर बनाया गया, ठीक है ना, और किस तरह से लोगों ने इसको मतलब कि इसकी तरफ रिएक्ट किया, ठीक है ना। तो वो सब हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। महात्मा गांधी रिटर्न टू द इंडिया इन जनवरी 1950। एज यू नो ही हैड कम फ्रॉम द साउथ अफ्रीका वेयर ही हैड सक्सेसफुली फॉर द रेसिस रिजम विद अ नोवेल मेथड ऑफ द मास एग्रीटेशन, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, महात्मा गांधी जो है साउथ अफ्रीका से 1915 में लौटे थे, ठीक है ना, साउथ अफ्रीका से, जहाँ पे उन्होंने आंदोलन करके पहले ही थोड़े से पॉपुलर हो चुके थे, जहाँ पे उन्होंने आंदोलन किया था रेसिस्ट रिजम के अगेंस्ट, यानी कि ये होता है काले कलर का जो डिफरेंस होता है, जिसके ऊपर डिस्क्रिमिनेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ कलर, ठीक है ना, डिस्क्रिमिनेशन दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द कलर, ठीक है। तो उसको बोलते हैं, और वहाँ पे उन्होंने सत्याग्रह का इस्तेमाल किया था। अब सत्याग्रह क्या है वो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं।
द आइडिया ऑफ द सत्याग्रह एम्फेसाइज द पावर ऑफ द ट्रुथ एंड द नीड टू टू सर्च फॉर द ट्रुथ इट सजेस्टेड दैट इफ द कॉज वॉज ट्रू इफ द सत्याग्रह स्ट्रगल वॉज अगेन इनजस्ट देन द फिजिकल फोर्स नॉट नेसेसरी टू बी फाइट फॉर अप्रेसर फाइट द अप्रेसर ठीक है। इसमें देखिए सत्याग्रह का मतलब क्या बताया गया है ठीक है गांधी जी के द्वारा या फिर किसी भी इस बुक में ये बताया गया है कि जो ट्रुथ है जो सच्चाई की अगर आप ये सच्चाई की राह पे है और सच्चाई के लिए लड़ना है ठीक है। सत्याग्रह का मतलब है सच्चाई की राह पे सच्चाई के लिए लड़ना ठीक है ना। तो महात्मा गांधी जी का ये मानना था यहाँ पर कि उनका ये मानना था कि अगर हम सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं ठीक है ना और हम किसी उसके लिए किसी भी जुल्म के खिलाफ लड़ रहे हैं तो हमें फोर्स की कोई ज़रूरत नहीं है फिजिकल फोर्स की कोई ज़रूरत नहीं है हमें हिंसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है हम बिना हिंसा करे भी उस चीज़ को अपनी उसको इसको ख़त्म कर सकते हैं ठीक है ना। तो वही चीज़ इसमें बताने की बात है। तो उसमें क्या है हमें अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए हथियारों की ज़रूरत नहीं है हम नॉन वायलेंस के थ्रू भी हम लड़ सकते हैं अगर हमारे कॉजेज हमारी डिमांड अगर हम सच्चाई की तरफ हैं तो ठीक है। तो आगे विदाउट सीकिंग द वेगनेंस बींग एग्रेसिव अ सत्याग्रह कुड विन द बैटल थ्रू द नॉन वायलेंस वही जो मैंने अभी आपको बताया ठीक है। यहाँ पर बिना उस एग्रेसिव हुए हम उसको जीत सकते हैं ठीक है ना। थोड़ा सा एक लाइन छोड़ के आगे से पढ़ेंगे पीपल इंक्लूडिंग द ऑपरेसर हैड टू परस्यूड टू सी द ट्रुथ इंस्टेड ऑफ बीइंग फोर्स टू ठीक है टू एक्सेप्ट ट्रुथ थ्रू द यूज ऑफ द वायलेंस बाय दिस स्ट्रगल ट्रुथ वॉज बाउंडेड टू अल्टीमेटेड ट्रायंफ। महात्मा गांधी बिलीव दैट द धर्म ऑफ द नॉन वायलेंस कुड यूनाइट ऑल इंडिया ठीक। अब इसमें क्या था कि महात्मा गांधी का ये भी मानना था कि अगर हम लोगों को किसी के खिलाफ लड़ना नहीं है ठीक है हमें किसी के खिलाफ नॉन वायलेंस नहीं करना है ठीक है हमें आराम से वायलेंस नहीं करना है ठीक है और नॉन वायलेंस के थ्रू ही हमें अपनी आज़ादी को गेन करना है। तो उनका ये भी मानना था कि हमें धर्म के राह पे चलना चाहिए ठीक है और लोगों को यूनाइट करके ठीक है और नॉन वायलेंस के थ्रू हम अपना कुछ भी चीज़ को ले सकते हैं मतलब जो भी डिमांड हमारी है अगर हमारी डिमांड सही है ठीक है तो हम ले सकते हैं उस चीज़ को हम गेन कर सकते हैं। तो अच्छा मैं थोड़ा सा और इसमें एक लाइन भूल गया इसमें ठीक है। इसमें ये भी बोल रहे हैं कि क्या कहते हैं ये जो ऑपरेसर है ठीक है उसको किसी को ज़बरदस्ती किसी चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए नहीं बोलो ठीक है ना उसको सच्चाई बताओ ठीक है ना। और उसमें ये बोला गया उसको सच्चाई बताओ और उसको एहसास दिलाओ कि उसने गलत किया है और उसके फिर वो अपने आप ही उस काम को करना बंद कर देगा। तो ये इस तरह की सोच वो रखते थे महात्मा गांधी। थोड़ा सा हम आगे पढ़ लेते हैं इसके बारे में। आफ्टर अराइविंग इन इंडिया महात्मा गांधी सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज सत्याग्रह मूवमेंट इन द वेरियस प्लेसेस। इन 1916 ही ट्रेवल्ड द चंपारण बिहार टू इंस्पायर द पीजन टू स्ट्रगल अगेंस्ट द ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम। तो महात्मा गांधी जी इंडिया के अंदर आए ठीक है और 1960 के अंदर वो चंपारण बिहार के अंदर एंटर हुए और लोगों को प्रोत्साहित करने लगे मोटिवेट करने लगे इंस्पायर करने लगे ठीक है। तो स्ट्रगल अगेंस्ट द मनी स्ट्रगल प्लांटेशन सिस्टम के खिलाफ ठीक है। ये जो प्लांटेशन सिस्टम था वो जो है ब्रिटिश के द्वारा लागू किया गया था। प्लांटेशन सिस्टम के अंडर में क्या था पहले तो आप इसको जल्दी से जान लीजिए। देखिए प्लांटेशन सिस्टम में ये क्या था कि बहुत सारे मजदूरों को उठा के एक फार्म के अंदर बंद कर दिया जाता था ठीक है और उनसे खेती करवाई जाती थी ठीक है। इस खेती के दौरान ना तो उनको छुट्टी दी जाती थी ना उनको अपने गाँव जाने दिया जाता था ठीक है और उनको अपने फार्म लैंड जो भी खेत में जिस भी खेत में वो काम कर रहे उस खेत से बाहर जाने की अनुमति नहीं हुआ करते थे। एक तरह से बंधुआ मजदूर की तरह उनको काम कराया जाता था। तो जब महात्मा गांधी वहाँ गए उन्होंने देखा इस चीज़ को तो उन्होंने उनको मोटिवेट किया कि आप स्ट्रगल करो आप रिवॉल्ट करो तो आपको शायद उससे आज़ादी मिल जाएगी ठीक है। तो थोड़ा सा आगे और पढ़ लेते हैं। देन इन द 1970 ही ऑर्गेनाइज अ सत्याग्रह टू सपोर्ट द पीजेंट्स ऑफ द खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ द गुजरात अफेक्टेड बाय द क्रॉप फेलियर एंड द प्लेग एपिडेमिक। द पीजेंट्स ऑफ द खेड़ा कुड नॉट पे द रेवेन्यू एंड वर डिमांडिंग द रेवेन्यू कलेक्शन विल बी रिलैक्स्ड। इन 1918 महात्मा गांधी वेंट टू द अहमदाबाद टू ऑर्गेनाइज अ सत्याग्रह मूवमेंट अमंग द कॉटन मिल वर्कर ठीक है। देखिए खेड़ा गुजरात अभी हमने बिहार की प्रॉब्लम समझी है ठीक है ना। अब महात्मा गांधी का जो इंटरफेरेंस है वो जो है खेड़ा के अंदर भी आ गया है ठीक है। अब खेड़ा के अंदर क्या था खेड़ा के अंदर जो लोग थे वो उनके यहाँ जो है क्रॉप फेलियर हो गया था। क्रॉप फेलियर का मतलब है कि क्रॉप जो फसलें थी वो ख़राब हो गई थी किसी कारण की वजह से वहाँ पे महामारी आ चुकी थी लोगों के पास पैसा नहीं था कुछ भी नहीं था। तो वो चाहते थे कि उनका जो रेवेन्यू कलेक्शन है जो टैक्स है या फिर जो भी रेवेन्यू कलेक्शन है वो थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया जाए ठीक है ना। और वो रेवेन्यू देने के उसमें पक्ष में नहीं थे वो टैक्स वैक्स देने के पक्ष में नहीं थे रेवेन्यू का पैसा टैक्स मान लीजिए है ना। तो गवर्नमेंट की इनकम में कोई भी योगदान देने के लिए रेडी नहीं थे। थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं रॉलेट एक्ट की तरफ एक नया टॉपिक है उसकी तरफ।
एम्बोल्डेंड विद दिस सक्सेस गांधी जी 1919, देखिए ऊपर सत्याग्रह लागू कर दिया गया, ठीक है ना, और महात्मा गांधी को उसमें अच्छा खासा रेस्पॉन्स मिला, प्लस ब्रिटिशर्स भी थोड़ा सा जो है एक बैकफुट हो गए, बैकफुट पे आ गए, थोड़ा सा बैकफुट पे इसलिए आ गए क्योंकि उनको लगा कि यार अगर इतने सारे लोग एक साथ विद्रोह करने के लिए आ जाएंगे तो उनको बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। तो ब्रिटिशर के मन में कहीं ना कहीं ये था कि वो इतना आगे नहीं बढ़ना चाहते थे, है ना, वो इतना आगे मतलब कि ज़बरदस्ती वो इतना नहीं करना चाहते थे कि उनके लिए प्रॉब्लम हो जाए, तो वो थोड़ा सा पीछे भी हट गए। उनका पीछे हटने से गांधी जी के अंदर बहुत ज़्यादा मोटिवेशन आ गया, ठीक है ना, और इसीलिए उन्होंने बैक टू बैक बहुत सारे मूवमेंट को मतलब कि बहुत सारे मूवमेंट को लागू किया और उनको लॉन्च किया, ठीक है। तो वो इसी में से एक मूवमेंट था, बहुत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और बहुत सारे मूवमेंट थे, ठीक है ना। अब ये रोलैक्ट एक्ट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं इसमें, ठीक है, न्यू टॉपिक है, नाउ स्टार्ट। सो गांधी जी इन 1919 डिसाइडेड टू लॉन्च द नेशन वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट द प्रपोज रोलैक्ट एक्ट, ठीक है। दिस एक्ट हैड बीन हरीडली पास थ्रू द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल डिस्पाइट द यूनाइटेड अपोजिशन ऑफ द इंडियन मेंबर। इट गेव द गवर्नमेंट एनोलिस पावर टू रिप्रेस द पॉलिटिकल एक्टिविटीज एंड अलाउड द डिटेंशन ऑफ द पॉलिटिकल प्रिजनर विदाउट ट्रायल फॉर 2 years। महात्मा गांधी वॉन्टेड द नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंट अगेंस्ट द जस्ट लॉ विच वुड स्टार्ट विद द हड़ताल ऑन द 6th April। देखिए इसके अंदर में क्या हुआ था, महात्मा गांधी जी को एक नया सत्याग्रह यानी कि बहुत बड़ा सत्याग्रह दुनिया के ना वो देश के पूरे देश को मिला के यानी कि पूरे देश के लोगों को इकट्ठा करके करना पड़ा था, ठीक है, पूरे देश के लोगों को साथ में लेके एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन करना पड़ा था। वो ऐसा क्यों था, देखिए वो रोलैक्ट एक्ट के खिलाफ थे, ठीक है, और रोलैक्ट एक्ट क्या था कि जिसके वो खिलाफ हो गए, ठीक है ना। देखिए रोलैक्ट एक्ट एक ऐसा एक्ट था जो कि इंपीरियल मतलब ब्रिटिश, ठीक है, ब्रिटिश को इंपीरियल बोला जाता है, इंपीरियल लेजिस्लेटिव जो कानून बनाता है, तो उन्होंने एक जल्दी से कानून बना लिया, ठीक है, बिना इंडियन मेंबर के सहमति के, ठीक है। इस कानून के अंदर में क्या था, इस कानून के अंदर में पावर दी गई थी, किसको पावर दी गई थी, गवर्नमेंट को पावर दी गई थी, और गवर्नमेंट किसकी थी, ब्रिटिश की, यानी कि ब्रिटिश के पास यहाँ पे पावर आ गई थी वो किसी भी पॉलिटिकल प्रिजनर को, यानी कि पॉलिटिकल प्रिजनर का मतलब होता है जो कि पॉलिटिक्स से रिलेटेड जो भी लोग होते हैं, भाषण जो देते हैं ना, उन लोगों को इंडिया के किसी भी पॉलिटिकल प्रिजनर को उठा के जेल के अंदर डाल सकते थे 2 साल के लिए, उसके लिए कोई बेल नहीं थी, ट्रायल का मतलब कोई बेल नहीं, ठीक है ना, तो उसके लिए डाल सकते थे और डिटेन कर सकते थे, किसी को भी उठा सकते थे, किसी को भी बंद कर सकते थे, मार सकते थे, पीट सकते थे, टॉर्चर कर सकते थे, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें रोलैक्ट एक्ट के अंडर में थी जो कि महात्मा गांधी को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, तो और उन्होंने हड़ताल शुरू कर दी 6 अप्रैल को। अब हड़ताल जब शुरू कर दी तो बहुत सारी दिक्कतें होने वाली थी, ठीक है ना, वही दिक्कतें अब आगे आने वाली हैं, वही पढ़ने वाले हैं हम लोग, ठीक है। रैलीज वर ऑर्गेनाइज इन द वेरियस सिटीज, वर्कर वर वेंट ऑन द स्ट्राइक, रेलवे वर्कशॉप एंड द शॉप्स क्लोज्ड, अलार्म्ड बाय द पॉपुलर अपसर्ज एंड स्केयर्ड दैट द लाइन ऑफ द कम्युनिकेशन सच एज द रेलवे एंड द ट्रैक वुड बी डिस्ट्रप्टेड। द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइडेड टू क्लैंप डाउन ऑन द नेशनलिस्ट, लोकल लीडर वर पिक्ड अप फ्रॉम द अमृतसर, महात्मा गांधी वर बेयर फ्रॉम एंटरिंग द दिल्ली ऑन 10th April, द पुलिस इन द अमृतसर फायर्ड अपॉन द पीसफुल प्रोसेशन। इसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो रैलीज ऑर्गेनाइज की गई, अब रैलीज कोई छोटी मोटी रैलीज नहीं है, आप पिक्चर इससे पहले भी आपने पिक्चर में, अगर आपको पिक्चर दिखा दूँ, इस पिक्चर में आप देखिए रैलीज कितनी बड़ी बड़ी, इतने बड़े बड़े लोग, इतने मतलब बड़े बड़े मतलब इतनी लंबी लंबी कतारें, इतने सारे लोग, ठीक है ना, ये देखिए इतने सारे लोग एक साथ जब दिखते हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश के भी पसीने छूटने शुरू हो गए, तो ब्रिटिश भी थोड़ी सी परेशान हो गए, ब्रिटिश को भी लगा कि भैया ये तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, तो उन्होंने कहा, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो लोकल लीडर्स थे, तो अब उन्होंने क्या किया था, देखिए इनके जो लीडर्स जो थे, जो लोकल जो लीडर्स थे, जो जैसे बिहार, तो बिहार का कोई लोकल लीडर है ना, तो अलग अलग स्टेट के, अलग अलग सिटी के, अलग अलग जगहों के अलग अलग लीडर्स हुआ करते थे उस टाइम पर, ठीक है, तो उन लोगों को उठाना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको लगता था कि अगर ये बहुत बड़ा रैली चलती रही तो कहीं ये जाके रेलवे को या फिर टेलीग्राफ को डिस्टर्ब ना कर दे, और रेलवे और टेलीग्राफ को डिस्टर्ब करने का मतलब है कि ब्रिटिश के जो इनकम है वो रेलवे और टेलीग्राफ से बहुत ज़्यादा थी, ठीक है ना, उसको बहुत बड़ा नुकसान पहुँचता, झटका पहुँचता, ठीक है ना, क्योंकि ब्रिटिश जो आई थी हमारे कंट्री के अंदर वो ट्रेड के लिए आई थी, और ट्रेड का जो मेन स्रोत था वो रेलवे था, ठीक है ना, जो बहुत अच्छा स्रोत जो था वो रेलवे था, और रेलवे बंद हो जाती या फिर किसको नुकसान हो जाता तो ब्रिटिश को बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। इस वजह से उसने लोकल लीडर्स को उठाना शुरू कर दिया, महात्मा गांधी को मना कर दिया कि आप दिल्ली के अंदर एंटर नहीं होंगे, ठीक है ना, और सबसे जो इसमें जो शेमफुल जो एक्ट हुआ था वो हुआ था अमृतसर में, है ना, तो वही अमृतसर के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट पेज पे।
तो ऑन 13th अप्रैल इन फेमस जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस। सबने सुना होगा जलियांवाला बाग अमृतसर के अंदर क्या हुआ था, ठीक है ना, तो उसी को हम थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं यहाँ पर, तो ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑन द डे अ लार्ज क्राउड गैदर्ड इन द एनक्लोज ग्राउंड ऑफ द जलियांवाला बाग सम केस टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट न्यू रेप्रेसिव मेजर्स अदर हैड केम टू अटेंड द एनुअल बैसाखी फेयर बींग फ्रॉम द आउटसाइड द सिटी मेनी विलेजेस वर अनअवेयर ऑफ द मार्शल लॉ दैट हैज बीन इम्पोज। ठीक है, तो ऐसा देखिए क्या होता है, जलियांवाला बाग एक गार्डन होता है, गार्डन में का मतलब जहाँ पे लोग बाग टहलने आते हैं, तो बहुत सारे लोग वहाँ पे जमा थे पहले से ही, ठीक है ना, जो किसी चीज़ का प्रोटेस्ट कर रहे थे, यानी कि किसी के प्रोटेस्ट कर रहे थे, कोई लॉ, कोई गवर्नमेंट के खिलाफ कोई कानून बनाया गया था उसके विरुद्ध धरने पे बैठे हुए थे। ठीक है, अब उन धरने पे बैठे हुए में थे उस टाइम पे क्या था, वो बैसाखी का महीना चल रहा था, ठीक है, और बैसाखी में क्या होता है, वहाँ पे फेयर लगता है, फेयर का मतलब मेला लगता है, तो उस मेले को देखने बहुत सारे लोग आए थे। अब उसी मेले में के जो लोग थे वो जलियांवाला बाग में इकट्ठे होते चले गए, उनको पता नहीं था कि यहाँ पे मार्शल लॉ लगा हुआ है। अब मार्शल लॉ क्या होता है, देखिए मार्शल लॉ के अंडर में क्या होता है कि आप एक जगह पे बहुत सारे लोग नहीं खड़े हो सकते, आप भाषण नहीं दे सकते, है ना, और बहुत सारे लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकते, तो ये सब मार्शल लॉ के अंडर में आता है। तो बहुत सारे लोग जब दूसरे गांव से आए थे उन लोगों को नहीं पता था कि यहाँ मार्शल लॉ लगा हुआ है, यहाँ पे खड़ा होना मना है, यहाँ पे भाषण देना मना है, ये सब चीज़ें मना है, और भाषण सुनना भी मना है, उनको नहीं पता था। तो वो तो मेले का एंजॉय करने आए थे और फिर वहाँ से जो है वहाँ पे वो चले गए। तो जनरल डायर ने क्या किया, जो भी एग्जिट ब्लॉक थे उसको, वो एग्जिट पॉइंट थे उसको सबको ब्लॉक कर दिया, ठीक है, और लोगों पे गोलियां चलवा दी, ठीक है ना, और बाद में सब लोगों को मार दिया। ठीक है, यहाँ पे सबसे एक लास्ट लाइन है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा इस लास्ट लाइन को, ठीक है। हिज ऑब्जेक्टिव एज ही डिक्लेयर्ड, उसका जो मकसद था, ठीक है, वॉज टू प्रोड्यूस अ मॉरल इफेक्ट, उनके दिमाग के अंदर एक बात बैठानी, ठीक है, जरूरी थी, इसलिए उसने गोलियां चलवा दी थी वहाँ पे। एक वो टेरर क्रिएट करना चाहता है, माइंड ऑफ सत्याग्रह अ फीलिंग ऑफ टेरर एंड ओ, ठीक है ना, यानी कि फीलिंग ऑफ टेरर यानी कि दहशत, है ना, दहशत, उनके ना डर बिठाना चाहता था किसके खिलाफ, ओ यानी कि उनके ब्रिटिश के खिलाफ उनके अंदर डर बिठाना चाहता था और उनको बताना चाहता था कि वो किसी भी लायक नहीं है, मतलब कि वो इतने हवा में ना उड़े, ठीक है, नवाब ना बने ज़्यादा, ठीक है, इसीलिए वो उनको वो दिखाना चाहता था। इस प्रकार का उसकी कुछ थिंकिंग्स थी, है ना, मेंटेलिटी थी, इसीलिए उसने वो गोलियां चलवाई। थोड़ा सा आगे और बढ़ लेते हैं। एज द न्यूज़ ऑफ द जलियांवाला बाग स्प्रेड, क्राउड टुक टू द स्ट्रीट इन द मैनी नॉर्थ इंडियन टाउन, देयर वॉज अ स्ट्राइक क्लैश विद द पुलिस अटैक ऑन द गवर्नमेंट बिल्डिंग, द गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विद द ब्रूटल रेप्रेशन सीकिंग टू द ह्यूमिलेटेड द टेरराइज पीपल, सत्याग्रह वॉज फोर्स टू रब देयर नोज ऑन द ग्राउंड, क्रॉल ऑन द स्ट्रीट एंड डू सलाम टू द ऑल साहेब, पीपल वर फ्लॉड एंड विलेजेस वर बॉम्ब्ड, बींग वायलेंस स्प्रेड, महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट। देखिए महात्मा गांधी ने एक मूवमेंट स्टार्ट कर रखा था, जलियांवाला बाग हुआ, अब जलियांवाला बाग की जैसे जैसे खबर लोगों को पहुंची, लोग हो गए एकदम वायलेंट, है ना, लोगों ने गवर्नमेंट के बिल्डिंग्स पे अटैक करना शुरू कर दिया, पुलिस स्टेशनों में आग लगानी शुरू कर दी, ठीक है ना, और इसको देखते देखते गवर्नमेंट भी, अब जब पब्लिक ने इतना करना शुरू कर दिया तो अब गवर्नमेंट भी और डबल वायलेंस हो गई, ठीक है ना, गवर्नमेंट ने क्या किया, लोगों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी, ठीक है ना, लोगों का ज़बरदस्ती अरेस्ट करना शुरू कर दिया, उनको लगता कोई भी खतरा है तो उसको अरेस्ट करना शुरू कर दिया, ठीक है, जो भी सत्याग्रही थे, सत्याग्रही कौन थे, जनरल, जो सत्याग्रह में जो हिस्सा लिया था, सत्याग्रह क्या था, जो गांधी जी के द्वारा जो स्टार्ट किया हुआ मूवमेंट था, ठीक है, तो उसमें जिसने भी हिस्सा लिया उनको जो है उनकी नाक जो है ज़मीन से रगड़वाते थे और स्ट्रीट पे सड़कों पे क्रॉल करके चलवाते थे, ठीक है ना, जैसे सांप चलता है वैसे क्रॉल करके, ठीक है ना, पता नहीं कैसे कैसे चलवाते थे वो लोग उन लोगों को, ठीक है, और सलाम करने के लिए बोलते थे उन लोगों को, जो भी जो बड़े लोग थे उनको सलाम करने के लिए बोलते थे, और बहुत सारे गांव में तो बॉम्ब लगा दिए गए थे, बॉम्ब कर दिए गए थे, गोलियां चला दी गई थी, बहुत सारी लूटमार करी गई थी उस टाइम तक पर। While the Rowlatt Satyagraha had been a widespread movement, it was still limited mostly to the cities in the town. Mahatma Gandhi now felt the need to launch a more broad-based movement in India, but he was certain that no such movement could be organized without being Hindu and Muslim closer together. On the way of doing this, he felt was to take up the Khilafat issue, First World War, and ended with the defeat of the Ottoman Turkey.
देखिए रोलेट एक्ट के बाद महात्मा गांधी को समझ आ गया था कि अब अगर हमें कुछ आज़ादी चाहिए तो हमें पूरे इंडिया को एक साथ यूनाइट करना पड़ेगा, उसके बाद कोई बहुत बड़ा मूवमेंट स्टार्ट करना पड़ेगा। तो अब इंडिया को यूनाइट करने का मतलब है कि हिंदू और मुस्लिम दोनों को इन्विटेशन देना पड़ेगा, और दोनों को इन्विटेशन देना पड़ेगा कि सत्याग्रह को ज्वाइन करें, और दोनों को ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो महात्मा गांधी को एक मौके की ज़रूरत थी, तो अब वो मौका मिल गया उनको वर्ल्ड वॉर के दौरान, ठीक है। देखिए वर्ल्ड वॉर के दौरान क्या हुआ था कि वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटिश ने ओटोमन टर्की और या फिर खलीफा जिसे बोलते हैं, ठीक है ना, खलीफा यानी कि मुस्लिमों के स्पिरिचुअल गुरु होते हैं, जैसे हमारे यहाँ धर्म गुरु होते हैं इसी तरह उनके यहाँ वो उनके स्पिरिचुअल गुरु मानते हैं, अपने धर्म गुरु मानते हैं। तो ब्रिटिश ने ओटोमन टर्की के ऊपर अटैक कर दिया था, ठीक है ना। अब ओटोमन टर्की के ऊपर अटैक जब कर दिया था तो और उनको जो है बुरी तरह ट्रीट कर रहे थे, और प्लस उनसे जो है अलग कुछ समझौते करवा रहे थे। तो इंडिया के जो लोग थे, इंडिया के जो मुसलमान थे, उनकी आस्था को ठेस पहुंची। उन्होंने कहा कि हमारे गुरु को परेशान किया जा रहा है, ठीक है ना, और हमारे गुरु को जो है ज़बरदस्ती ट्रीटी के उसमें साइन कराया जा रहा है, ठीक है ना, और उनको दखलंदाजी की जा रही है, तो ये बहुत गलत है। तो मुसलमानों ने क्या किया, मुस्लिम ने मुंबई में बॉम्बे में उस टाइम पर जो बॉम्बे था, ठीक है, मार्च में 1919 में, ठीक है, जैसे कि देख सकते हैं आप स्क्रीन के ऊपर 1990, ठीक है। तो वहाँ पे उन्होंने खिलाफत कमेटी बना ली, ठीक है। अब खिलाफत कमेटी बनाने का मतलब यह था कि वो ब्रिटिश को चैलेंज कर सकें, या फिर ब्रिटिश को बता सकें कि उनको परेशान ना करें, ठीक है, नहीं तो हम यहाँ पे भी आपको नहीं छोड़ेंगे यहाँ पे। तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं इसको। यंग जनरेशन ऑफ द मुस्लिम लीडर लाइक द ब्रदर मोहम्मद अली एंड शौकत अली बिगन डिस्कसिंग द महात्मा गांधी अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ द यूनाइटेड मास एक्शन ऑन द इशू। तो ये जो है शौकत अली मोहम्मद अली जो है गांधी जी से डिस्कस करने लगे कि किस तरह से हम मूवमेंट को स्टार्ट करेंगे, और खिलाफत मूवमेंट के अंदर देखिए अब यहाँ पे सत्याग्रह के अंदर में सारे ऑलमोस्ट सारे हिंदूज थे, ठीक है ना, और खिलाफत कमेटी के अंदर में बहुत सारे मुस्लिम्स थे। अब मुस्लिम्स अब खिलाफत कमेटी ने जो है हाथ मिला लिया किसके साथ, सत्याग्रह मूवमेंट के साथ, ठीक है ना। तो ये दोनों के दोनों अब यूनाइट हो गए, ठीक है ना। अब ये दोनों की स्वराज के लिए मांग करने लगे, स्वराज मतलब कि हम पूरी तरह से राज करेंगे, इसकी डिमांड ये करने लगे, ठीक है। तो वाई नॉन कोऑपरेशन, ठीक है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या होता है, या फिर या वाई नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का इन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इन द फेमस बुक ऑफ हिंदू स्वराज महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड दैट ब्रिटिश रूल वॉज एस्टेब्लिश इन इंडिया विद द कोऑपरेशन ऑफ इंडियंस एंड हैड सर्वाइव ओनली बिकॉज ऑफ दिस कोऑपरेशन। इफ द इंडिया रिफ्यूज टू कोऑपरेट ब्रिटिश रूल इन इंडिया वुड कोलैप्स विद इन अ ईयर एंड स्वराज वुड कम। ठीक है, देखिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का मतलब ये था कि हम ब्रिटिश के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे, यानी कि ब्रिटिश की बातें नहीं मानेंगे। तो गांधी जी का यहाँ पे क्या कहना था, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा। गांधी जी का ये कहना था कि ब्रिटिश हमारे इंडिया के अंदर राज कर पा रहे हैं क्योंकि हम उनको कोऑपरेट करते हैं, ठीक है। अगर हमने एक बार उनको कोऑपरेट करना बंद कर दिया तो वो यहाँ से चले जाएंगे, ठीक है ना। तो अगर आप बेसिकली देखें भी तो ब्रिटिश हमारे कंट्री के अंदर आई भी इसीलिए थी, ठीक है ना, क्योंकि हमने कोऑपरेट किया था। अगर हमने शुरू से उनको डिनाई कर दिया था हमारे कंट्री के अंदर एंटर नहीं हुई है तो शायद वो एंटर नहीं होते, ठीक है ना, या फिर इतने तेज़ी से वो फैलते रहे, है ना। तो यहाँ कहीं ना कहीं उनका भी ये मानना था, ठीक है ना, इस वजह से गांधी जी ने कहा कि उनको कॉपरेट करना बंद कर दें, इसलिए उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का स्टार्ट कर दिया। अब नॉन कॉपरेशन के मूवमेंट के अंडर में उन्होंने क्या क्या किया, ठीक है। देखिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के अंडर में उनको जितने भी बैच दिए गए थे, ठीक है, जो भी टाइटल दिया गया था, जो भी अवार्ड दिए गए थे ब्रिटिश के द्वारा इंडियंस को, तो वो सारे के सारे अवार्ड्स उन्होंने लौटा दिए, ठीक है ना। लोगों ने अपनी जॉब छोड़ दी, सिविल सर्विसेज छोड़ दी, इंडिया के लोगों ने आर्मी छोड़ दी, इंडिया के जो लोग पुलिस में थे उन्होंने पुलिस छोड़ दी, ब्रिटिश के कोर्ट में जो काम करते काम छोड़ दिए, फॉरेन गुड्स जो ब्रिटिश के द्वारा जो मंगाई हुई गुड्स थे सामान थे बनते थे जो ब्रिटेन में, उसको उन्होंने मना कर दिया कि हम इसको नहीं करेंगे, ठीक है ना। फिर बाद में ये बोला गया कि अगर ब्रिटिश ज़्यादा दिक्कत करती है तो वो लोग जो है सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट को भी इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे चलिए तो लास्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। मैनी विद इन द कांग्रेस हाउएवर कंसर्न अबाउट द प्रपोजल दे वर रिलुकेंट टू बॉयकॉट द काउंसिल इलेक्शन शेड्यूल फॉर द 1920। दे फियर दैट द मूवमेंट माइट लेड टू द पॉपुलर वायलेंस इन द देखिए जो उनका काउंसिल इलेक्शन होना था ब्रिटेन का, उसको भी उन्होंने कैंसिल कर दिया था, ठीक है ना। और बहुत सारे लोगों ने उसको इंडिया के अंदर जो काउंसिल इलेक्शन होने थे उसको भी बहुत सारे लोगों ने बॉयकॉट कर दिया कि हम लोग इस इलेक्शन को नहीं अटेंड करेंगे, ठीक है।
और बहुत सारे लोगों को, और जो ब्रिटेन थे उनको डर भी लगता था कहीं पर, इस बात से डर भी लग रहा था कि ये जो है बहुत पॉपुलर वायलेंस ना हो जाए और बहुत सारे लोग इससे जुड़ ना जाए, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इन द मंथ बिटवीन द सेप्टेम्बर द दिसंबर देयर वाज अ इंटेंस टसल विद इन द कांग्रेस। कांग्रेस के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही थी या फिर कांग्रेस के अंदर बहुत सारा कन्फ्यूजन सा चल रहा था। फॉर अ वाइल देयर सीम नो मीटिंग पॉइंट बिटवीन द सपोर्टर्स एंड द अपोनेंट। बहुत टाइम तक तो ऐसा लगा कि सपोर्टर अपोनेंट्स के बीच में कोई भी मीटिंग नहीं होगी फाइनली एट द कांग्रेस सेशन, लेकिन लास्ट में अपोनेंट कौन थे यहाँ पे? ब्रिटिशर्स। और सपोर्टर कौन थे यहाँ पे? कांग्रेस के लोग, ठीक है ना। तो इनके बीच में कभी भी कुछ भी वो नहीं होगा, समझौता नहीं होगा, ठीक है। फाइनली एट द कांग्रेस सेशन एट द नागपुर दिसंबर 1920 अ कॉम्प्रोमाइज वॉज वर्कड आउट एंड द नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम वॉज एडॉप्टेड, ठीक है। तो देखिए कांग्रेस के अंदर ही बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही थी। कांग्रेस के अंदर कुछ लोग सपोर्ट करते थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को, कुछ लोग नहीं करते थे, ठीक है। बाद में एक ट्रीटी साइन हुई, एक समझौता हुआ जिसके अंदर में सब लोगों ने इसको अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। सब लोगों ने कहा कि हम इस बात को मानेंगे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को मानेंगे। तो देखिए आप इतने सारे लोग जब भीड़ में होते तो कितने ब्रिटिश को कितनी दिक्कत हो सकती है यहाँ पे, है ना। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, टॉपिक नंबर 3, ठीक है ना, उसको हम बाद में करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कवर अप करेंगे। अगर कोई भी दिक्कत है अगर, है ना, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। आप मुझे कमेंट करो कमेंट सेक्शन में, है ना। वीडियो थोड़ी लंबी है लेकिन मैंने ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर करने की कोशिश की है। तो इसीलिए जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफरेंट स्ट्रैंड विद इन द मूवमेंट, हम इसको नेक्स्ट उसमें करेंगे, ठीक है। कमेंट लाइक शेयर ज़रूर करिएगा इसको, ठीक है। थैंक यू एंड गुड लक फॉर योर एग्जामिनेशन।